जितना भी वोट सका और डायरिन के वोटर से सभी ने ठान लिया कि इस बार एक मिट कमिंग साहब को जैसे भी वापस लाएगा। और आज का क्राउड गैदरिंग आपने देखा है, उस हिसाब से तो वो आ रहा है वापस और फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन का एक पारा पार कर दिया उन्होंने। अभी जितना भी हमारा सपोर्टर है उन सब का साथ मिल के इलेक्शन तक चलना है। अभी शनि करों का प्रभाव भी होगा, ये इलेक्शन का नजदीक है क्योंकि अच्छे दिन आने वाला है। कुछ अच्छा दिन को शनि का प्रभाव में कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसके लिए उसको हम लोग मिल के रहना पड़ेगा। और जितने भी मेरा वोट हमारा निक कमिंग साहब तो बखूबी निभाता है, निभा भी देखा है। वो लास्ट टाइम भी वो पीपीएसी था, फिर भी सरकार में नहीं होके भी सरकार का जो नियम नीति है उसको मालूम है और उनका साथ मिल के आप सरकार में नहीं रहने से भी आपका कंस्टिट्यूएंसी का जो लोगों के लिए डेवलपमेंट आना चाहिए वो तो आएगा, लेकिन वो एमएलए का एक होमवर्क के हिसाब से होता है। और इस काम में तो हम लोग पूरा भरोसा है कमिंग साहब को, वो डेफिनेटली करेगा क्योंकि उसने करके दिखाया है। जितना भी हम लोग का सपोर्टर है, इन लोग का कहना था कि हम लोग इस एक बार गेट टुगेदर इंटरेक्शन प्रोग्राम रखेगा ताकि काफी दूसरा पार्टी लोग ने भी हमारा वोटर्स लोग को जबरदस्ती इनविटेशन पे इनविटेशन घर घर विजिट करके ये 11 तारीख में आना है बोल के हमारा वोटर्स और हमारा सपोर्टर लोग को डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम लोग भी एक मेगा इंटरेक्शन प्रोग्राम रखेगा, जबकि हमारा जो वोटर्स और सपोर्टर है घर बस्ती बस्ती में जो बीएलसी है ये लोग के लिए भी मतलब सुविधा हो और दूसरा जगह में ना जाए ताकि दूसरा लोग जबरदस्ती इनविटेशन सप्ताह दिन से मतलब घर घर में रिपीटेडली घूम रहे बोले हमारा प्रजन एमएलए साहब लोग साथ वो कर लो, इसलिए वो लोग ने मना कर दिया। तो हम लोग ने मना तो कर दिया लेकिन हम लोग क्या करेगा, तो हम लोग भी एक बार इंटरेक्शन रखेगा प्रोग्राम और आप इसको जैसे भी ऑर्गेनाइज करना है बोला है। तो हमारा टीम यहाँ का स्पेशली जितना भी कोर कमिटी है उन लोगों ने परसों रात हम लोग फाइनल किया था, परसों दिन और रात शुरू करके या कल का रात नहीं सो के काम किया है। हमारा स्पेशली जितना भी बस्ती का बीएलसी और हमारा आदिवासी का यूथ लीडर्स जो मैं ज़्यादातर उन लोग को प्यार से मेरा फाइटर ग्रुप बोलता हूँ, और आदिवासी का जो एल्डर्स है उन लोगों ने अपना मोबिलाइजेशन काफी तगड़ा किया है। ऊपर से चकमा विजयपुर स्पीच, हालांकि आज का प्रोग्राम सिर्फ बोडुमसा का था, विजयपुर चकमा का जितने भी मेरा वीएलसी से उन लोगों ने भी टाइट से मोबिलाइज किया है और काफी तादाद में आज का मीटिंग में पार्टिसिपेट हुआ है। और आज का मीटिंग था इंटरेक्शन निक कमिंग पार्टी का इंटरेक्शन प्रोग्राम और एक बार मिल के एक हंस खाना खाने का, बस वही था। टिकट को लेकर काफी टिकट बीजेपी का चर्चे में है, तो आपको क्या लगता है टिकट का होना और ना होना, जीत का होना और ना होना दोनों में क्या रिलेशन देखते हैं? जीत के लिए तो टिकट का होना नहीं होना ऐसे यहाँ में तो असर नहीं है। जीत के लिए तो लोगों का पसंद कैंडिडेट होना चाहिए और लोगों का पसंद कैंडिडेट तो हमारा पास है जो हमारा निक कमिंग साहब है, और लोगों ने तो ठान लिया इस बार निक कमिंग को वापस लाना है। लेकिन लोगों का ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर टिकट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं भी मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग ने ठान लिया है, लोगों ने जितना भी वोट सका और डायरिन के वोटर से सभी ने ठान लिया है कि इस बार निक कमिंग साहब को जैसे भी वापस लाएगा। और आज का क्राउड गैदरिंग आपने देखा है, उस हिसाब से तो वो आ रहा है वापस और फुल मेजोरिटी के साथ।
टिकट मिलने और ना मिलने दोनों स्थिति में ही आप जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे, काफी बार अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है कि इंडिपेंडेंस से जो कैंडिडेट जीतते हैं वो फिर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या लगता है अगर जीत हासिल होती है तो क्या फिर जो गवर्नमेंट कहेंगे उन्हीं के साथ हाथों में हाथ मिलाकर काम चलेगा या कैसे? नहीं, ये तो जीतने का बात तो काफी जिम्मेदारी होता है हर कैंडिडेट के साथ, हर MLA के साथ, तो इस हिसाब से तो हमारा निकमिंग साहब तो बखूबी निभाता है, निभा भी देखा है, वो लास्ट टाइम भी वो PPA से था, फिर भी सरकार में नहीं होके भी सरकार का जो नियम नीति है उसको मालूम है और उनका साथ मिल के आप सरकार में नहीं रहने से भी आपका कंस्टिट्यूएंसी का जो लोगों के लिए डेवलपमेंट आना चाहिए वो तो आएगा, लेकिन वो MLA का एक होमवर्क के हिसाब से होता है और इस काम में तो हम लोग पूरा भरोसा है कमिंग साहब को, वो डेफिनेटली करेगा क्योंकि उसने करके दिखाया है। आज टोटल जो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना था और कितने लोग आपको नजर आए आज के आपके कार्यक्रम में? एक्सपेक्टेशन तो हम लोग 12,000 अरेंज किया था, काफी धूप कारण से कुछ कुछ चेयर में नहीं बैठा है, कॉर्नर में बैठा है, आपने तो देखा है कि बगान साइड में बैठे हैं, तो उस हिसाब से तो आज का गैदरिंग में तो टोटल मेंबर्स आया है आपका 13,000 to 15,000 का बीच में आया है, हालांकि ये ओनली बोर्डुम शाखा है, जितना भी बोर्डुम शाखा लोग आया है 13,000 to 15,000 का बीच में आया है, कम तो नहीं होगा, आपने भीड़ खुद देखा है, हमको यहाँ खाना सिर्फ बांटने में ही 4 घंटा लगा है, खाना सिर्फ खिलाने में 4 घंटा लगा है इतना तक, लेकिन तब भी लोग एक भी बोर नहीं होके सभी लोग भरपूर खाना खा के गया है, कोई बोरिंग नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पेशेंट कोई हुल हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि सब लोग दिल से आया था, आपने तो देखा है कवर भी किया था आपका, ये से आपका ये दर्शक ने देखा होगा काफी धूप था क्योंकि इतना बड़ा जगह में पैंडल का सुविधा तो नहीं है, पैंडल के लिए तो आप बना सकते हैं तो हार्डली आपका 150 to 170 ब्रेड, उसमें तो आपका मैक्सिमम 3,000 लोग घुसेगा वो पैंडल में, इतने उससे बढ़कर पैंडल तो हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ तो इतना ज्यादा भीड़ है आपका 13,000 to 15,000 के लिए तो पैंडल का पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी हम लोग ने कोशिश किया साइड साइड में ये पैराशूट टेंट लगा के वो सब फूल होके बीज भी फूल होके आपने खुद देखा है, और जब खाने का टाइम क्रॉड हो गया उस बीच इतना टाइम में तो इतना भीड़ था कि हमारा वॉलेंटियर्स यहाँ 1700 से ज्यादा वॉलेंटियर्स यहाँ काल से काम कर रहे हैं, वही है उन लोग का मेहनत, हमारा यूथ लोग का और काफी लोकल महिलाएं और चकमा महिलाएं और लोकल महिलाएं हमारा साइमू से भी बोडुमसा खैरबिसा सभी से यहाँ मेहनत किया है, बहुत तो आपका बोडुमसा बस्ती से मकानतों से सभी महिलाएं यहाँ आके खाना को अब देखिए 27,000 खाना तुपला हम लोग ने इस बार आज बनाया, आपने देखा होगा जितनों भी आया है सभी को तुपला भात खिलाया हम लोग ने, ये अपने आप में एक अजूबा है, 27,000 टुपला हम लोग बनाकर खिलाया है, उसके लिए कैंटरिन हम लोग का 7 सेट था, कैंटरिन 7 सेट और वो भी सेवा भात बोलते हैं उसको, ये आपका स्टीम से बनाते हैं, तो काफी स्टाफ ने वॉलेंटियर ने मेहनत किया है, लोगों ने योगदान दिया, वो कैंटरिन स्टाफ भी आपका आदिवासी का 4 था, चकमा का 5 था और हम लोग का ट्राइबल का नोकते का और आपका ये साइमू का साइमू ट्राइबल का और ऐसे करके काफी जो योगदान किया है तंगसास का, सभी लोग जितना भी पत्ता ये बांधने में टुपला बांधने में काफी तंगसा का और लोग सभी लोग आके मेहनत किया है, और 27,000 टुपला बनाना मजाक बात नहीं है, आपने खुद देखा होगा यहाँ में आपका ये 27 टुपला इतना ऊंचा में हो गया था खाना, तो सभी को टुपला खान बात दिया है अपने क्या कहना चाहूंगा, मेरा स्पेशली मैं तहे दिल से मेरा जितने भी वॉलेंटियर्स है प्लस मेरा BLC है सभी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कंग्रेचुलेशन करता हूं कि एक इलेक्शन का एक पारा पार कर दिया उन्होंने, अभी जितना भी हमारा सपोर्टर है उन सबका साथ मिलके इलेक्शन तक चलना है, अभी शनि करों का प्रभाव भी होगा ये इलेक्शन का नजदीक है क्योंकि अच्छे दिन आने वाला है, कुछ अच्छा दिन को शनि का प्रभाव में कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसके लिए उसको हम लोग मिलके
रहना पड़ेगा, और जितने भी मेरा वोटर्स है और जितना मेरा सपोर्टर है बोर्ड मुसादैन का और निक कमिंग का सपोर्टर है, जो हमारा टीम का सपोर्टर है, निक कमिंग साहब का सपोर्टर है, उसको दिल से चाहने वाला लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए चलिए एक बार हम लोग मिलके इत्मीनान से अपना डेवलपमेंट के लिए और अपना सरकार के लिए वोट दे। यही मैसेज मैं 49 बोर्ड मुसा को देना चाहता हूँ।